माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलवामा खुलासे से ध्यान हटाने के लिए ये सब किया गया है। कांग्रेस की अल्पसंख्यक यूनिट के नेशनल चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने ट्वीट कर अतीक अहमद की हत्या को प्रायोजित हत्या बताया है। प्रताप गढ़ी ने ट्वीट कर लिखा, ये प्रायोजित हत्या है, मीडिया तो कब से मानना चाहता था, इसलिए हत्यारों को मीडिया कर्मी बनाकर लाया गया। इमरान ने आगे लिखा कि पुलवामा खुलासे से ध्यान हटाने के लिए एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर आगे लिखा, कमाल का कानून राज है, पुलिस कस्टडी में मर्डर हो रहे हैं, अभी कल ही संविधान निर्माता का जन्मदिन मनाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। खेड़ा ने ट्वीट कर लिखा, खबरों की सुर्खियां बदल देने से सवाल खत्म नहीं हो जाते, सवाल बढ़ जाते हैं। पवन खेड़ा ने सवाल पूछते हुए लिखा, चीन को क्लीन चिट क्यों, अडानी पर जेपीसी क्यों नहीं, शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ किसका है, पुलवामा की लापरवाही किसकी है, उत्तर प्रदेश में सरेआम गैंग वॉर क्यों। कांग्रेस ने अतीक अहमद की हत्या के बाद बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के एक इंटरव्यू का जिक्र भी किया। मलिक ने खुलासा किया था कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हमारे सिस्टम और विशेष रूप से गृह मंत्रालय की लापरवाही का परिणाम था। मलिक ने इंटरव्यू में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने मांग को ठुकरा दिया था। मलिक ने यह भी बताया कि जिस मार्ग से सीआरपीएफ को जाना था उस मार्ग का सेंसिटाइजेशन प्रभावी ढंग से नहीं किया गया था। मलिक ने आगे बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे इस बारे में चुप रहने और किसी को नहीं बताने की बात कही। इतना ही नहीं, मलिक ने यह भी कहा कि आतंकवादियों को इतनी भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे मिला, 4 साल से ज्यादा होने पर भी आज पुलवामा आतंकी हमले की जांच कहां तक पहुंची है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। रमेश ने आगे कहा कि पीएम चाहे जब तक चुप्पी साधे बैठे रहें, हमें इसके लिए चाहे जितने खतरे उठाने पड़े, हम सवाल पूछना जारी रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी प्रशांत ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।